की फेसबुक मेंटेन की है। सम स्टूडेंट्स हैव सेंड मी द स्क्रीनशॉट्स ऑफ द नोटबुक। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट माय लवली किड्स आर ग्रोइंग, दे आर राइटिंग इन देयर फेसबुक्स। एंड आई नो कि मेरे बच्चे जब वीडियो देखेंगे तब उस टाइम अपनी टेक्स्ट बुक भी लेके बैठेंगे, उसके अंदर जो मैम लिखवाएगी या मैम आंसर चेक करवाएगी एक्सरसाइज के, एट दैट टाइम दे विल आल्सो राइट इन द टेक्स्ट बुक। ओके, यू हैव रिटन, देन मेक इट गुड। सो टुडे वी विल कंटिन्यू आवर सेकंड चैप्टर। ओके, दिस विल बी आवर पार्ट 3 वीडियो। ओके, रिमेंबर हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था? हमने फिश बनाई थी, हमने काउंट करके बाजू में नंबर और उसके नेम लिख लिए थे, साइज 1। रिमेंबर? यस, यू रिमेंबर वेरी वेल। रिमेंबर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स थे। सी, आज आपको ये दोनों हाय बोलने आए हैं। रिमेंबर फ्रेंड्स के नेम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। आपके बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स बने थे। सो आज हम उनसे वापस मिलेंगे बट एक अलग अंदाज में। ओके, सो हैव अ लुक। सी इन दिस कंसेप्ट ऑफ जीरो, जीरो फॉर एग्जाम्पल, आपको चॉकलेट खानी है। आप गए मम्मा के पास भागते 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 भागते, मम्मा मुझे चॉकलेट चाहिए, और मम्मा के पास एक भी चॉकलेट नहीं हुई तो आप उसे क्या बोलोगे? जीरो। What you will say? Zero. Understood? Oh, एक काम करते हैं। I have an idea. Let's have a look on the video. Come on. So, let's have a look on the video. We will have a look that what is the concept of zero and how it is the comparison sign works. Okay? Let's start it. Understood? Okay.
see that is there any concept over there? Let's go to exercise. Start. So, we learned today the concept of zero. See, in this also, zero, then it comes one. One ke pehle kaun aayega? Zero. One ke baad kaun aayega? Two. Understood? Have a look on this. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, and nine. Okay? So let's move to the exercise. But remember, you have to mark the marking with pencil. So, you can have a look on your textbook. You will see this page. Understood? Let's answer this. Okay? See. Three birds sit on a wall. There are three birds. Two are there, one flies away. Yahan pe kitni bachi? Teen mein se ek chali gayi. So how many birds are there? Yes. Two birds are there. Now in this, two birds sit on a wall. One bird flew away. Wah, aur ek bird chali gayi. Ab kitni birds hain? How many birds are left? One. Kyunki ek thi, wo aur ek chali gayi. One bird sits on a wall. The bird flies away. अब इस wall पे आपको कितनी birds दिखाई दे रही हैं? Do you see any bird? No. Then what I will be using? Yes, you are right. I will be using zero. Understood? You have to write the answers in the textbook as well. Oh, comparison of numbers. बहुत मजा आएगा ओके सी हाउ मेनी फिशेस आर देयर वी विल काउंट इट 1 2 3 4 4 फिशेस आर देयर इन दिस 1 एंड 2 फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको चॉकलेट्स दूं मैं आपकी तरफ एक तरफ चार चॉकलेट्स रख दूं और अदर साइड आई कीप ओनली टू चॉकलेट्स आप कौन सी चॉकलेट्स लोगे जो ज्यादा होगी इन द सेम वे ये फिश है उसको भी बहुत ज्यादा भूख लगी है एंड शी इज लाइक मुझे बहुत ज्यादा खाना चाहिए सो व्हाट शी विल डू शी विल ईट द फिश जहां पर बहुत ज्यादा फिशेस है सो व्हाट शी विल डू शी विल ओपन हर माउथ लाइक दिस शी विल ओपन हर माउथ सी हर माउथ इज ओपन जहां पे ज्यादा फिश होगी वहां पर उसका माउथ खुल जाएगा सो दिस साइन इज नोन एज ग्रेटर साइन अंडरस्टूड अगर ये साइड ज्यादा फिश है तो मैं ये साइड ऐसे ओपन कर दूंगी माउथ सी आप देख सकते हो सी यहां पे देखिए इसका मुंह खुला है ना ओके अब इस साइड अब अगेन यहाँ पे जो फिशेस थी वो फक के ये साइड आ गई सो अब यहाँ पर ज्यादा फिशेस हो गई और यहाँ पर कम फिशेस हो गई सो रिमेम्बर फिश क्या करेगी उसको बहुत भूख लगी है तो वो क्या करेगी जहाँ पर ज्यादा फिशेस है शी विल ओपन हर माउथ सो शी विल ओपन हर माउथ इन दिस वे सो यहाँ पर ज्यादा थी यहाँ पर तो कम थी ना सो दिस साइन विल बी नोन एज स्मॉलर साइन Understood? जहाँ पर ज़्यादा फिशेस वहाँ पे मैं मुंह खोल दूँगी, so that sign is known as greater than. और जहाँ पर कम फिशेस वहाँ start. Understood? What you have to do? जहाँ पर बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स होगी, you will open the mouth. That sign will be greater than sign. जहाँ पर बहुत कम चॉकलेट्स होगी, I will close my mouth. That sign is known as smaller sign. Understood? Have a look on this. यहाँ पर तीन की फिश थी, but In this side there were three fishes. So this way I closed my mouth because there were less fishes. Understood? Now what comes? Agar left hand side be five fishes, right hand side be five fishes. So what ma'am will do? Ma'am will be equal to both of them. So I will use equal to sign. See. यहाँ पर भी फाइव फिशेस यहाँ पर भी फाइव फिशेस सो मैम विल बी इक्वल टू बोथ ऑफ देम अंडरस्टूड ओके शुड वी मूव टू एक्सरसाइज ओके आह एक्सरसाइज टू
I will be only solving first two and the remaining you will be solving, okay, as your worksheet part, okay? So you will learn much, much, much more things, okay? See, first we will count. 1, 2, 3. Oh, 3 is already written. Yahan par 4. Kiske paas zyada cycles hai? Yes. Jahan par zyada number hoga, I will open my mouth. I will be using greater sign over there. Understood? Okay. One more do you want me to solve? Okay. See in this. There are also 7 pencils. And this side also 7 pencils. So, ma'am will be equal to both of them. Ma'am will use, yes, you are right, equal to sign. Understood? I know my kids will remember very well. So, the remaining sum, the 6 sums, you will be solving as a part of a worksheet. So, that's all for today. Keep updating your books. Be my small, cute little children. Follow.